एक पुरानी कहावत है कि हम खाली हाथ इस दुनिया में आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं, लेकिन ये कहावत बस सुपरफिशियल चीजों के लिए ही जायज है। असलियत में हम कई चीजों को लेकर पैदा भी होते हैं और उन्हें मरने के बाद भी साथ लेकर जाते हैं। इन चीजों को बोला जाता है संस्कार या फिर टेंडेंसीज, और कई हिंदू स्क्रिप्चर्स में इन्हें वासना का नाम भी दिया गया है। ये टेंडेंसीज अगर एक जिंदगी में नहीं बदली जाती तो ये हमारे साथ लाइफ टाइम्स तक चिपकी रहती हैं, और जिस वजह से ये टेंडेंसीज बनती या फिर बदलती हैं उसे हम बोलते हैं कर्मा। कर्मा का मतलब होता है कि हम अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं बच सकते। कर्मा एक अकेला ऐसा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है जो ये क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि किस तरह हमारी जिंदगी पूरी तरह से हमारे हाथों में ही है, और वो हम हैं जो अपनी किस्मत को अच्छा या फिर बुरा बनाते हैं। कर्मा की अंडरस्टैंडिंग आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाती है, और शायद यही वजह है कि क्यों ज्यादातर लोग इस कॉन्सेप्ट की गहराई में जाना पसंद नहीं करते। कर्मा की कॉमन अंडरस्टैंडिंग अच्छे और बुरे कामों से जुड़ी होती है। लोग सोचते हैं कि कर्मा का मतलब होता है कि आपको आपके अच्छे कामों के लिए रिवॉर्ड करा जाएगा और आपके बुरे कामों के लिए आपको पनिश करा जाएगा, और इसी इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ने बहुत से अंधविश्वासों, लड़ाइयों और इवन लोगों के बीच डिविजन को जन्म दिया है। कर्मा का मतलब ये नहीं होता कि आपके हर कर्म को कोई ऊपर बैठकर देख रहा है और आपके कर्मों को अच्छे या फिर बुरे की कैटेगरी में डाल रहा है। कर्मा का मतलब होता है वो एक्शन जो सिर्फ उन कामों से रिलेटेड नहीं होता जो आप बाहरी दुनिया में करते हो, बल्कि कर्मा हमारे बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों लेवल्स पर काम करता है। यानी जो कर्म आप अपने मन के लेवल पर भी करते हो वो भी अपने पीछे एक छाप छोड़ जाते हैं। इसी छाप को हम टेंडेंसी बोलते हैं, और इसी तरह की टेंडेंसी से मिलने वाले कॉन्सिक्वेंसेस कर्मा कहलाते हैं। आप जाने अनजाने में अपनी बहुत सी टेंडेंसीज डेवलप कर लेते हो। आपके पांचों सेंसेस हर समय बाहरी दुनिया से डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, और इसी डेटा की छाप हमारे अंदर बॉडी, माइंड और स्पिरिट के लेवल पर एक यूनिक पैटर्न को जन्म देती है जो धीरे धीरे हमारी बिहेवियरल टेंडेंसीज बन जाती हैं। अगर ये टेंडेंसीज ज्यादा समय तक रिपीट होती हैं तो ये हमारी पर्सनैलिटी की फॉर्म ले लेती हैं। टेंडेंसी या फिर संस्कार ही रीजन होता है कि क्यों मोजार्ट नाम का बच्चा 4-5 साल की उम्र में ही सिम्फनीज बनाने लगता है, या फिर क्यों रामानुजन जैसे 16 साल के लड़के को मैथ्स की जीनियस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बिना किसी ट्रेनिंग के आने लग जाती है। हर कोई अपनी पास्ट लाइफ टाइम से कई सर्टेन टेंडेंसीज अपने साथ इस दुनिया में लाता है। उसकी एनर्जी बॉडी उसी गर्भ यानी वूम की तरफ खिंचती है जिसकी टेंडेंसीज उससे मिलती जुलती होती हैं। कर्मा इसी तरह से आपको कोई बहाना नहीं बनाने देता। अगर आप बोलो कि मुझे तो इस दुनिया में मेरी मर्जी के बिना लाया गया है और मैं क्यों इतना सफर करूं, तब भी आप गलत हो। अगर आप कभी ये बोलो कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं चुना तो ये भी झूठ है। और अगर आप एक डिसेबल्ड या फिर गरीब इंसान को देखकर ये बोलते हो कि बेचारे की तो किस्मत ही खराब है और ये अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, तो तब भी आपको कर्मा की समझ नहीं है। कर्मा का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की दिशा खुद डिसाइड करते हो। अनकॉन्शियसली बनाई हुई टेंडेंसीज और पर्सनैलिटी आपको इवेंचुअली हर तरह से बर्बाद कर देंगी, जबकि कॉन्शियसली बनाई हुई टेंडेंसीज आपको खुद अपनी किस्मत लिखने के लिए एम्पावर करेंगी। जो कर्म आप अपने मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पर करते हो वही आपको सर्टेन पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर की तरफ या सर्टेन सिचुएशंस की तरफ वापस से खींचते हैं। इस तरह की जिंदगी रिपेटिटिव और साइक्लिकल होती है। बहुत से लोगों की तरह आप भी इसी कंफ्यूजन में रहते हो कि क्यों कई सिचुएशंस आपकी जिंदगी में बार बार रिपीट हुई जा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पैटर्न्स अनकॉन्शियस होते हैं, यानी वो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस से नीचे ऑपरेट कर रहे होते हैं, और इस तरह से टाइम के साथ साथ हम अपने पास्ट के एक्शंस की मेमोरीज के गुलाम बनते जाते हैं और अपने पास्ट को रिपीट करते जाते हैं। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पास्ट एक्शंस का ये पैटर्न होगा उतना ही आप कंपल्सिव बनकर ऑटो पायलट पर जीने लगोगे और ये फील करोगे कि आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में है ही नहीं। अपनी टेंडेंसीज को बदलना काफी ट्रिकी हो सकता है क्योंकि हम साइकोसोमेटिक क्रीचर्स हैं, यानी आपका इवन एक रैंडम ख्याल भी कई केमिकल रिएक्शंस और सेंसेशंस को जन्म देकर खुद को फिजिकल और इवेंचुअली एनर्जेटिक लेवल पर भी मैनिफेस्ट कर सकता है। इसका मतलब आप अपनी कार्मिक मेमोरी की छाप खुद के अस्तित्व के इतने गहरे लेवल्स तक छोड़ रहे होते हो जिनकी आपको अभी समझ भी नहीं है। इवन अगर आपने किसी का मर्डर नहीं करा लेकिन आपका मन हमेशा मर्डरस थॉट से भरा रहता है, तो इससे भी आपका कर्मा बढ़ता है क्योंकि आपके ऊपर मेंटल एक्शन की छाप और पक्की होती जाती है। इस तरह आपके मन में हुई उथल पुथल आपको सेल्यूलर और जेनेटिक लेवल तक भी बदल जाती है। इसी वजह से हिंदुइज्म में मन को शांत और साफ रखने पर इतना ज्यादा जोर डाला जाता है, क्योंकि जिस तरह का ख्याल आज आपके मन में आ रहा है वो कई लाइफ टाइम्स तक आपकी जिंदगी को खराब कर सकता है। मन की उथल पुथल और गंदगी सिर्फ एक इंडिविजुअल के कर्मा को नहीं बल्कि लोगों या फैमिलीज के कलेक्टिव कर्मा को भी बदल सकती है।
स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल यूंग अपनी बुक मेमोरीज ड्रीम्स रिफ्लेक्शंस में लिखते हैं कि मुझे बहुत इंटेंसली ये फील होता है कि मैं कहीं ऐसी चीजों या फिर क्वेश्चंस के इन्फ्लुएंस में हूँ जिन्हें मेरे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स और एंसेस्टर्स ने अधूरा छोड़ दिया था। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक फैमिली का खुद का कोई कलेक्टिव कर्मा होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होता जाता है। मुझ में हमेशा से ये समझ थी कि कहीं ना कहीं जो किस्मत मेरे दादो परदादो की थी और जिन क्वेश्चंस को वो आंसर नहीं कर पाए उन्हें आंसर करने की जिम्मेदारी मेरी है। हर इंसान जो भी अपने एसेंस के टच में आता है वो हमेशा इस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर फील करता है। हम कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि हमारा हर एक्शन थॉट या फिर डिसीजन हमारी पास्ट चॉइसेस पर बेस्ड होता है। फिलोसोफर्स इसे बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। हाउएवर बहुत से फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स ये बात नहीं समझ पाते कि हमारे पास इस प्री डिटर्मिंड फ्यूचर को चेंज करने के लिए फ्री विल भी है। लेकिन जब तक हम अपने पुराने पैटर्न्स को नहीं तोड़ते तब तक हमारी जिंदगी में कुछ भी नया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कर्मा आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे आप अगले ही मोमेंट एक एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दो तब भी आपकी कार्मिक मेमोरी इंटैक्ट रहेगी और आपकी पुरानी टेंडेंसीज एक नई फिजिकल बॉडी में फिर से उन्हीं पैटर्न्स को रिपीट करने लगेगी जो आपने पिछले लाइफ टाइम में बनाए थे। इसी वजह से लिबरेशन इतना जरूरी होता है। आपका हर काम आदत या फिर ख्याल लिबरेशन के गोल से जुड़े होने चाहिए और लिबरेशन पॉसिबल होता है जब आप अपने एक्सपीरियंस के फिजिकल मेंटल और एनर्जी लेवल के पार जा पाते हो। ये तीनों चीजें ही आपसे जुड़ी हैं और आपकी यूनिकनेस या फिर सेपरेटनेस को बनाती हैं। लेकिन इनके पार जाने पर आप इस सेपरेटनेस के बबल को तोड़ने लगते हो और अपने कर्मा को घोलने लगते हो। हिंदुइज्म में कर्मा के तीन टाइप्स को एक्सप्लेन करा गया है। पहला टाइप है संचित कर्मा। ये हमारा एक्यूमुलेटेड कर्मा होता है, यानी हमारी हर तरह की मेमोरी, चाहे वो जेनेटिक हो, एवोल्यूशनरी, पास्ट लाइफ एक्शंस या इवन कॉन्शियस मेमोरी, इन सब का टोटल होता है संचित कर्मा, जिसे कार्मिक वेयर हाउस भी बोला जाता है। दूसरा टाइप है प्रारब्ध कर्मा। संचित कर्मा में से जितना कर्मा आपको इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में मिला है, यानी जिन पास्ट एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस और उससे जुड़ी वासना से आपने इस जिंदगी में डील करना है, उसे बोलते हैं प्रारब्ध कर्मा। ये कर्मा डिसाइड करता है कि आप कितनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, फिजिकल एनर्जी या इनर स्टेबिलिटी के साथ इस दुनिया में आओगे। और प्रारब्ध कर्मा अक्सर हर इंसान के बचपन में ही दिखना शुरू हो जाता है। कई बच्चे सेम कंडीशंस में बड़े होने और सेम पेरेंट्स होने के बावजूद भी एनर्जी स्किल्स प्रेफरेंसेस या पर्सनैलिटी वाइज बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हर इंसान का कार्मिक कॉन्टेंट अलग होता है। कर्मा का तीसरा टाइप होता है क्रियामाना या फिर अगामी कर्मा। ये वो कर्मा होता है जो आप अपने प्रेजेंट एक्शंस के थ्रू इकट्ठा कर रहे होते हो और इसके कॉन्सिक्वेंसेस से आपको फ्यूचर में डील करना होगा। अगर आप अभी से ही अपना हर काम कॉन्शियसली और हाई अवेयरनेस के साथ करने लगो बजाय अनकॉन्शियसली अपनी इंस्टिंक्ट्स पर रिएक्ट करने के, तो आपका आगामी कर्मा यानी फ्यूचर में आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को भी आप इजीली हैंडल कर पाओगे। हर तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपके संचित कर्मा को कम करने पर फोकस्ड होती है, ताकि आप बर्थ और डेथ की साइकिल को हजारों बार रिपीट करते रहने के बजाय अपनी इस जिंदगी में जितना हो सके उतना अपने टोटल कर्मा का हिस्सा डिसॉल्व कर दो। स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज आपके जन्मों जन्मों के कर्मा को खत्म करने और नए कर्मा को अवॉइड करने में मदद करती है। स्पिरिचुअल पैथ एक ऐसा रास्ता होता है जिस पर आपको अकेले ही चलना होता है, और यही रीजन है कि क्यों अपनी टेंडेंसीज को समझने के लिए भी सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि आप उन सब चीजों लोगों या फिर ख्यालों से जिनसे आप प्यार या फिर जिन्हें आप डिजायर करते हो उनसे थोड़े समय के लिए खुद को दूर करके देखो कि आपके अंदर उस चीज से फिर से मिलने की तलब कितनी स्ट्रांग है। अगर आपको लगता है कि आपकी टेंडेंसी शराब पीने से जुड़ी है तो हमेशा बॉटल को उठाने से पहले कुछ मिनट के लिए वेट करो। अगर आपको खाने से अटैचमेंट है और आपकी टेंडेंसी ग्लटनी यानी कंज्यूम करते रहने से जुड़ी है तो हर मील से पहले कुछ मोमेंट्स कॉन्शियसली वेट करो और फिर खाना खाओ। धीरे धीरे आप इन कुछ मोमेंट्स या फिर मिनट्स को बढ़ा भी सकते हो, जैसे 5 मिनट खाने के आगे वेट करने के बजाय भूख लगने के आधे घंटे, कभी 2 घंटे और कभी 10 घंटे के गैप को रखकर भी देखो। इस तरह की दूरी से ओवर टाइम आप अपनी टेंडेंसीज यानी वासना को बदल सकते हो। सेकेंडली ये समझो कि कर्मा बहुत क्लोजली जुड़ा होता है आपकी इंटेंशन से। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्णा कर्मा को समझाने के लिए हमेशा ये एग्जाम्पल दिया करते थे कि अगर एक इंसान एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाकर भी भगवान और प्रार्थना के बारे में सोच रहा है लेकिन दूसरे इंसान का मन पूजा करते हुए भी सेक्स से भरा हुआ है, तो पहला इंसान एक्चुअल सेक्सुअल एक्ट में एंगेज करने के बाद भी कम कर्म इकट्ठा करेगा जस्ट बिकॉज उसकी इंटेंशंस प्योर हैं। जबकि दूसरा इंसान बाहर से जितना मर्जी भगवान को याद कर ले
लेकिन उसका इंटरनल एक्शन तो गिल्ट, ग्रीड और लस्ट जैसी चीजों से भरा हुआ है। अगर आप कोई काम प्यार और साफ दिल से करते हो तो चाहे उस काम से दूसरों को ठेस भी पहुंचे, तब भी आपका कर्म नहीं बढ़ेगा। यही रीजन है कि क्यों भगवद गीता में कृष्ण जी अर्जुन को युद्ध करने और अपने धर्म की रक्षा करने को बोलते हैं। और इवन दो यहाँ पर लोगों की मौत होना तय है, लेकिन फिर भी इस तरह के काम को अगर उसकी जरूरत को समझकर कॉन्शियसली करा जाए बजाय गुस्से या फिर कड़वाहट के वश में आने के, तो वायलेंस और डेथ भी एक इंसान की मुक्ति का जरिया बन सकते हैं। जितना ज्यादा आप खुद को और खुद की सोच को इंक्लूसिव बनाओगे और खुद को अपनी सेपरेटनेस से आइडेंटिफाई करने के बजाय हर चीज को अपने ही हिस्से की तरह ट्रीट करोगे, उतना ही आप वाइज बनते जाओगे और नेचुरली इस तरह से ही बिहेव करोगे जिससे आपका कर्म ना बढ़े। डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूसिवनेस की फीलिंग बढ़ाने के लिए ही सिखाया जाता है, ताकि जब आप अपनी डिजायर से फोकस हटाकर दुनिया को बिना किसी डर, लालच या फिर नफरत के देखो, तो आप उसे एज इट इज देख पाओ और आपका मन आपको आपकी पास की मेमोरीज के बेसिस पर एक्शन लेने के लिए फोर्स करना बंद करे। इसका मतलब डिटैचमेंट या फिर अपनी डिजायर्स और आइडेंटिटी से दूरी आपको ज्यादा इंक्लूसिव बनाकर आपकी इंटेंशन को सही रखेगी, और सही इंटेंशन आपके मेंटल, फिजिकल और एनर्जेटिक एक्शंस को कॉन्शियस बनाकर आपको कर्म इकट्ठा करने से रोकेगी। हाउएवर, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप दुनिया में अपनी इन्वॉल्वमेंट भी कम कर लो। नहीं, जिस तरह एक इंसान प्रोस्टिट्यूट के पास जाकर भी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व तो होता है और अर्जुन भी एक युद्ध में हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो उस प्रोसेस या फिर उसके ख्याल के साथ खुद को एंटेंगल नहीं करते, तो वो उसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस से भी बचे रहते हैं। आपने भी ऐसा ही बनना है कि आप संसारिक जीवन में इन्वॉल्व रहकर और अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए भी अपने मन को साफ और प्यार से भरा रख सको। थर्डली, कर्मा से दूर भागने से वो बढ़ता है। हम जिस तरह से साइकोलॉजी में शैडो की बात करते हैं कि कैसे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हर वो चीज है जिसे हम गलत या फिर इमोरल बोलकर रिजेक्ट कर देते हैं, और यही रिजेक्टेड चीजें हमें इनडायरेक्ट वेज में कंट्रोल करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप ये सोचो कि गुस्सा करना गलत है और जब भी कोई गुस्सा करे तो आप उसे जज करो और खुद के गुस्से को भी सप्रेस करने की कोशिश करो खुद की नजरों में मॉरल और राइचियस बने रहने के लिए, तो पैराडॉक्सिकली आपको इस तरह से ज्यादा गुस्सा आएगा। कर्म भी ऐसे ही काम करता है। अगर आप बहुत से कामों में हेजिटेट करते हो, आप अपने जरूरी कामों को बहुत बार अवॉइड करते हो, सच पता होने पर भी उसे अपने अंदर दबाकर अक्सर झूठ में जीते हो, और आप में इन सब कामों का गिल्ट भी है, तो इस तरह की अवॉइडेंस भी कर्म को ज्यादा बढ़ाती है। मॉडर्न सिविलाइजेशन में खुद को अच्छे से एक्सप्रेस करना बुरा और अनसोफिस्टिकेटेड माना जाता है। अगर आप खुलकर हंस भी दो तब भी कई बार लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप पागल हो, लेकिन किसी भी तरह का सप्रेशन ओवरटाइम आपकी फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और कर्म को बढ़ाता है। इसलिए जिंदगी को डर डर के या फिर अधूरा सा नहीं, बल्कि जिंदगी को टोटली जीना सीखो, और जिंदगी चाहे आपको किसी भी तरह की सिचुएशन में डाल दे, आपका इनर एक्सपीरियंस हमेशा आपके ही कंट्रोल में होना चाहिए। कर्मा और वासना के होने को अच्छे या फिर बुरे का लेबल मत दो, ये बस रियलिटी है। कर्मा अपने आप में नेगेटिव नहीं होता, जिस तरह से फिजिक्स के लॉज अपने आप में नेगेटिव या फिर पॉजिटिव नहीं होते। अगर आपको इन लॉज की नॉलेज है तो आप सुखी रहोगे और इनके अकॉर्डिंगली अपनी जिंदगी को जियोगे, वरना आप हर कदम पर कभी मुंह के बल गिर जाओगे, कभी खुद को चोट लगा लोगे और दोष ग्रेविटी को दोगे। इवन योगा बोलता है कि कर्मा हमें एक हद तक चाहिए भी होता है, ताकि हम अपनी फिजिकल बॉडी से चिपके रहें, और तभी योगिक प्रैक्टिसेस हमारे कार्मिक वेयरहाउस यानी संचित कर्म को कम करने की टीचिंग्स देती हैं, ना कि प्रारब्ध को कम करने की। क्योंकि अगर आपने अपने प्रारब्ध कर्म को ही खत्म करना शुरू कर दिया तो आप ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाओगे। एनलाइटेंड लोग भी तभी अपना प्रारब्ध कर्म एक्टिवली बढ़ाते हैं, ताकि वो एकदम से अपनी बॉडी से बाहर ना निकल जाएं, और जो उनके काम अभी दुनिया में अधूरे रहते हैं उन्हें टाइम से पूरा कर पाएं। अगर आप इस एपिसोड से सिर्फ एक चीज अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो वो ये होनी चाहिए कि कर्म बढ़ना उसी मोमेंट में कम हो जाता है जब आपके एक्शंस आपके बारे में और आपके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं, बल्कि सिचुएशन की जरूरतों पर बेस्ड होते हैं।